तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है सैमसंग गुडलॉक ऐप के अंदर। दोस्तों वहाँ पर आपको बताया बहुत सारी ऐप्स मिलती हैं जिससे आप अपने मोबाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसी के अंदर एक ऐप होती है क्लॉक फेस, जिसके अंदर एक नया अपडेट आया। नए अपडेट्स के साथ क्या नए फीचर एड ऑन किए गए, जिसके बारे में आगे सब डिटेल बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिलती रहे, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस ए टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ क्लॉक फेस के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर में जाने के नीचे की तरफ देखेंगे आपको एक अपडेट मिल रहा होगा क्लॉक फेस के नाम से। यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे आपको एक क्लॉक फेस के नाम से अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये नया अपडेट आया। अब नीचे की तरफ देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है। यहाँ पर इसको 15 मार्च को रोल आउट किया गया, बट मेरे पास ये आज ही के दिन आया है, जिसका वर्जन नंबर है 3.1.07.0। अब बात करें क्या नए चेंजेस किए गए। अगर आप वन यूआई 6.0 पे हैं तो यहाँ पर क्या किया गया है, डिवाइस दैट डज नॉट सपोर्ट क्लॉक स्टाइल ड्यू टू इंटरेज बिटवीन लॉक स्क्रीन एओडी विल सपोर्ट लॉक स्क्रीन क्लॉक स्टाइल ऐप। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्या किया गया है, सपोर्ट फॉर न्यू फंड एडेड अ वेदर आइटम, सपोर्ट फॉर फ्रेम्स एंड इमेजेस, और भी बहुत कुछ यहाँ पर किया गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि अपने डिवाइस में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे पास वन यू आई 6.0 ही अपडेटेड है, वन यू आई 6.1 में नहीं है। उनका कहना है कि वन यू आई 6.1 में कुछ नया चेंजेस नहीं किया गया, सिंपल एओडी में कुछ नए लॉक स्टाइल्स दे दिए गए। तो एक बार इसको कर लेते हैं अपडेट। फाइनली हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ से नहीं खोल पाएंगे, आपको इसको खोलने के लिए जाना होगा गुडलॉक वाली ऐप में। तो यहाँ जाना है आपको, गुडलॉक वाली ऐप में चले जाना है। गुडलॉक वाली ऐप में जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ क्लॉक फेस के अंदर। तो आप आपको यहाँ दिख जाएगा क्लॉक फेस, आप लॉक स्क्रीन और एओडी में। मान लो मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे गया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप देखेंगे आपको सेम वही का वही दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर प्लस करने में भी जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। और अगर बात करें हम लॉक स्क्रीन की, तो इसके अंदर लॉक स्क्रीन के में अंदर कुछ चेंजेस नहीं किया गया दोस्तों, यहाँ पर सब वैसा ही है। ये क्या काम करता है, क्लॉक फेसेस आपको बहुत सारे क्लॉक दिख जाते हैं जो कि आप अपने लॉक स्क्रीन एओडी में लगा सकते हैं। इतने सारे बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहे होंगे, माइक लॉक में जो भी आपने एडिट करा वो दिख जाएंगे, फेसेस में जो आपको प्रिंट इंस्टॉल मिल रहे होंगे वो दिख जाएंगे, स्टूडियो में जाएंगे जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और अगर आपको कोई क्रिएट करना है तो प्लस में जाके आप अपने खुद अपने हिसाब से यहाँ पर एक अपना क्लॉक फेस बना सकते हैं जो भी आपको बनाना हो। बट यहाँ पर कोई भी नया चेंजेस नहीं दिया गया 6.1 के अंदर, यहाँ पर अपडेट मिलने वाला है। फिलहाल इसका अपडेट यही था, कुछ बक्सेस जो होंगे उसको फिक्स आउट कर दिया होगा क्लॉक फेस के अंदर। मेरा मतलब यही था कि आपको बताना होना चाहिए कि नया अपडेट आया, जब भी कोई नया अपडेट आता है किसी भी ऐप में आपको अपडेट करके रखना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता क्लॉक फेस को कैसे बनाते हैं तो मैं एक आपको रफली बना के दिखाता हूँ। आप यहाँ पर चले जाएँ, यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर इसका स्टाइल को चेंज कर लेना है। मान लो आपको यहाँ पर क्या ऐड करना है, डिजिटल करना है तो डिजिटल ऐड कर सकते हैं, वाली को डिलीट करना है पे जाएं, इसको डिलीट करना है तो उसको डिलीट कर लीजिए। यहाँ पर ये ऐड करना चाहिए ऐड कर लीजिए, कैसे फ़ॉन्ट चाहिए वो फ़ॉन्ट को चूज़ कर लीजिए, कौन से फ़ॉन्ट चाहिए वो चूज़ कर लीजिए, कहाँ लोकेशन पे चाहिए वो चूज़ कर लीजिए, ठीक है, कलर कैसा चाहिए वो चूज़ कर लीजिए, जो भी आपको उसको चूज़ कर लेना है। और उसको यहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपने होम अपने लॉक स्क्रीन पर, जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। और जब भी मैं लॉक स्क्रीन करूँगा तो आप देखेंगे वो सेट आउट हो गया होगा। तो इस तरीके से आप अच्छी अच्छी यहाँ पर क्लॉक को डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल करो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लेना, और हो सके व्हाट्सअप पर भी मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू।